अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान सरवर और आज की ये वीडियो उनके लिए है जो कि जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर पुलिस कांस्टेबल। पूछ रहे थे कि सर न्यू अपडेट क्या है, टेस्ट कब होगी। सो अपडेट के लिहाज से तो आज रनिंग चल रही है दादू वालों की भी, और इंशाल्लाह ताला 10-11 तारीख तक रनिंग इनकी कम्प्लीट हो जाएगी। STS यानी कि सिबा टेस्टिंग सर्विस ने जो सिलेबस चेंज किया है उसके मुताबिक 10 MCQs अब आपके हैं इंग्लिश के, 20 MCQs मदर टंग यानी जो सिंधी स्पीकिंग है वो सिंधी ग्रामर में करेंगे, और जो उर्दू स्पीकिंग है वो उर्दू 20 क्वेश्चंस करेंगे मदर टंग के, और उसके बाद 20 MCQs आपके होंगे मैथमेटिक्स एंड 30 जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, और 20 क्वेश्चन होंगे आपके GK आर IQ। ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अपने YouTube चैनल पे इमरान सर्वर के नाम से, और उसके अलावा कई काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर पेपर कब होगा पुलिस कांस्टेबल का। सो पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली अगस्त के एंड तक यानी अगस्त के मंथ में इंशाल्लाह हो जाएगा। आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए, और जिनकी रनिंग बाकी है विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह उनको कामयाब करे। और पूछते हैं कि सर इंग्लिश के लिहाज से कोई अच्छा ग्रामर का बुक बताएं। सो उनकी इंग्लिश जिनकी इंग्लिश वीक है, बेसिक से स्टार्ट करना था चाहते हैं, तो वो ये बुक जो है बेसिक सिंधी ग्रामर इसको फॉलो करें, इंग्लिश बेसिक ग्रामर बाय मुनीर, बाय सर मोहम्मद मुनीर। और इंग्लिश इसके अलावा काफ़ी सारे बुक हैं, इंग्लिश ग्रामर फॉर BA ये भी बुक बहुत ही बेहतरीन किताब है। और पूछते हैं कि सर कोई सिंधी ग्रामर के लिहाज से कोई बुक बताएं जो सिंधी ग्रामर के लिए बेस्ट हो। सो मैं उन शागिर्द्स को बोलता हूँ कि ये जो बुक है नूर गाइड या मेहरान सिंधी ग्रामर इज बेस्ट फॉर सिंधी ग्रामर, ये दोनों बुक्स अच्छी हैं, सो आप नोट कर लें। उसके अलावा मैथमेटिक्स का पूछते हैं कि सर मैथमेटिक्स क्लास 5 से लेके 8 तक, क्लास 5, 6, 7, 8 सिंटेक्स बुक, अगर ये बुक्स आपके पास हैं इनको ही फॉलो करें, इनके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दीज बुक्स आर बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप पंजाब के हैं अदर प्रोविंस के, सो अपने टेक्स्ट बुक जो हैं वो फॉलो करें मैथमेटिक्स के लिहाज से। बाकी अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग में कोई परेशानी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने वीडियोस रखी हैं, डे बाय डे हम रखते जा रहे हैं, टेस्ट नंबर 130 तक पहुँचे हैं, लास्ट 4-5 टेस्ट हमारे जो हैं वो रीजनिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं जो कि इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगी। और उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये जो बुक है कांस्टेबल या ये एसेंशियल अहम है पुलिस कांस्टेबल के लिए, इनमें से सवाल आएंगे। सो हमने अपने तजुर्बे के लिहाज से बनाए हैं, मे बी इनमें से ना भी आए, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो पास पेपर्स में आते हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सूटेबल बुक है वो हमने रेडी किया है। और उसके अलावा इमरान कोचिंग क्लासेस के आल पेपर्स यानी कि हमारा जो ट्यूशन सेंटर था इमरान कोचिंग क्लासेस जो 5 नवंबर 2021 से स्टार्ट हुआ था, तब से हमने जो भी टेस्ट लिए फॉर जॉब्स प्रिपरेशन और क्लास 6-2 ऑनवर्ड्स जो भी पेपर्स लिए वो एक ही बुक में हैं। ये तब सभी जॉब्स के लिए और यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए तमाम बेहद इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिहाज से, जो भी मेरा हाल है हमने बनाए हैं। सो और मेरे IBA के तजुर्बे के लिहाज से GST का पेपर, PST का पेपर, ग्रेजुएशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह सब मैंने क्लियर किए थे, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर की टेस्ट भी, फीडर पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट भी, इंटर में बाद में काम नहीं हुआ लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है, इंशाल्लाह जो भी होता है अच्छे के लिए होगा, और कभी भी ना उम्मीद नहीं होना।
तो यही मेरी आपके लिए एडवाइस है। अगर किसी के पास कोई भी बुक नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई पे ऑनलाइन पाक एमसीक्यूज़, इंडिया बिक्स, प्लेनेट एमसीक्यूज़, एग्जाम वेडा, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब इन पाकिस्तान यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर पाकिस्तान स्टडी फर्स्ट। पाकिस्तान की जो भी जीके है, जो भी नॉलेज है, वो आपको आनी चाहिए पाकिस्तान के लिहाज से। पुलिस कांस्टेबल में अभी 10 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के लिहाज से। सो सेनानम्स सेंटानम्स दो तीन इनमें से आ जाएंगे। सो आपका मेन फोकस होना चाहिए रीजनिंग एप्टीट्यूड, जिसके 30 MCQs हैं, जिससे आप अवेयर नहीं हो। इसका ये मतलब नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी, क्योंकि इसमें रिड्यूस करके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं, चाहे उनमें 5 MCQs क्यों ना हो, बाकी तो सब पढ़ लेंगे। आपको 100 out of 100 की तैयारी करनी है, तभी जा पे आप 60+ स्कोर करेंगे। पासिंग मार्क्स अगर आप पूछेंगे फॉर पुलिस कांस्टेबल, सो आई शुड से दैट 60+ आप अपना टारगेट मैक्सिमम जो भी बनाएं, अगर आपका स्कोर 50+ भी आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। यू विल क्वालिफायर फॉर इंटरव्यू। और सीट्स थी 11,108 तकरीबन सीट्स थी सिंध के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा कांस्टेबल के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स आई थी। और एक पेपर था शायद 7 जुलाई को नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस, उसके लिए भी स्टूडेंट्स रबते कर रहे थे कि सर इसका क्या सिलेबस है। सो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि सिलेबस मस्ट है। अगर आपको सिलेबस का पता नहीं तो आप कैसे तैयारी करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेट सपोज़ अगर एक स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के MCQs पढ़ रहा है, कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है, हालांकि कंप्यूटर का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, अगर आ भी जाए जीके के पोर्शन में, सो मैक्सिमम 1 or 2। सो सिलेबस इज मस्ट, सिलेबस के लिहाज से ही आप तैयारी करेंगे। और नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में आई डोंट नो कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनका एक ऑर्डिनेंस है जो कि आपको ज़रूर पढ़ना है। 20 से 30 MCQs शायद आते हैं। और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हों, आप हमारे यूट्यूब चैनल इमरान सर्वर से जो है वो पढ़ सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टडी हो, इस्लामियात हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट। हम जो भी हमारा हाल है हम सभी डिस्कस करते हैं यूट्यूब पे, डे बाय डे वीडियोस रखते हैं। और ये जो पेपर है हमारा ICC आल पेपर्स, इसमें भी तकरीबन वो सभी आ जाते हैं। अभी ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर व्हाट इज द प्रोसेस, इनको बे कैसे करें। सो इनकी एंड में ये नंबर दिया गया है, नोट कर लें, ये नंबर है या यूट्यूब पे जो है डिटेल्स वीडियोस की मौजूद है, लास्ट में नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।